तो लीजिए, प्रस्तुत है थ्योरी ऑफ म्यूजिक फॉर प्राइमरी लेवल, भारतीय संगीत शास्त्र प्राथमिक कक्षा के लिए का ये पार्ट 3। दोस्तों, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ जा कर के उस पर क्लिक करके इस वीडियो के पहले 2 पार्ट भी देख सकते हैं, और हमें लगता है कि आपको पहले वो देख लेने चाहिए अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो के जो ऑडियो नोट्स हैं वो सिर्फ़ आप ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं, तो खबरी एप्लीकेशन पर वो हमने अवेलेबल करा दिए, जैसे कि पहले वीडियो में भी हमने बताया था। तो उसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ पे जाके उसे क्लिक करके वो देख सकते हैं और उसके ऑडियो वहाँ पे सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, ताकि आपको ये डेफिनेशंस याद करने में, सुनते सुनते याद करने में आसानी हो। और दोस्तों, अगर ये जानकारी, हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोमल और तीव्र स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होता है। इनका क्रम इस प्रकार है: सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। कोमल और तीव्र स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होता है। इनका क्रम इस प्रकार है: सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। 7 स्वरों के संपूर्ण नाम इस प्रकार हैं: सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। 7 स्वरों के संपूर्ण नाम इस प्रकार हैं: सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद।